हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू साइड इफेक्ट चैनल। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर लो, स्पेशली फॉर द डिसनेट। एंड कंप्लीट पीडीएफ को एनरोल नहीं किया हो तो एनरोल कर लेना, ओनली 399 रुपीज़, जिसमें कंप्लीट पीडीएफ में जीके, मैथमेटिक्स, रीजनिंग, इंग्लिश, करंट अफेयर्स, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिलेंगे, प्लस यूट्यूब वीडियो, दोनों ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है डिसनेट के लिए। अब पीडीएफ लेने के लिए studysideeffect@gmail.com में मेल कर देना। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे प्रोग्राम को सेलेक्ट करो, लेकिन कुछ कंडीशन है उस पर आपको गौर करना पड़ेगा। अगर आप चाहते हो कि थ्री प्रोग्राम में अप्लाई करने के लिए, जो कोई सा भी थ्री प्रोग्राम में आप अप्लाई करो, तो सबसे पहला कंडीशन है कि आप कौन से प्रोग्राम में इंटरेस्टेड हो। ये आप पे डिपेंड करता है, मैं नहीं बताऊंगा, ठीक है? तो ये आप पे डिपेंड करता है। तो आप कोई सा भी, ये सारे प्रोग्राम है, कट ऑफ्स के वीडियो तो बना ही दिया हूँ, आज ही को बनाया हूँ, अब वीडियो भी अपलोडेड हो चुका है तो देख लेना। और ये सब मैं कट ऑफ के बारे में बता रहा हूँ क्योंकि आपको अप्लाई कैसे करना। तो सबसे पहली बात, जो HRM में इंटरेस्टेड है और उनको कोई सा भी टिस के प्रोग्राम में इंटरेस्टेड नहीं है, केवल HRM, तो आपको सिंपल सा एक ही प्रोग्राम के लिए अप्लाई करना, कोई ज़रूरी नहीं है आपको थ्री प्रोग्राम के लिए अप्लाई करना, एक ही प्रोग्राम आप HRM के लिए अप्लाई करना। अब रही बात जिनको थ्री प्रोग्राम के लिए अप्लाई करना, उसके बारे में बताता हूँ। तो 90% या 80% से 19% सभी का फर्स्ट प्रेफरेंस रहता है कि मुझे HRM में एडमिशन मिले, या HRM को मैं, अगर कभी भी मेरा कट ऑफ क्लियर हुआ तो मुझे HRM में एडमिशन मिले, तो ये अच्छी बात है, ठीक है? तो कोई सा भी, अगर आप कट ऑफ, अगर आपको थ्री प्रोग्राम में अप्लाई करना है और बैकअप रखना है तो कैसे करना है, तो एक तो सबसे पहले आपको सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट है उसको फर्स्ट प्रेफरेंस में रखना है, क्योंकि टीस आपको एडमिशन देगा प्रेफरेंस वाइज ही। ऐसा नहीं है कि आप थर्ड कोर्स का कट ऑफ क्लियर कर दिए एंड फर्स्ट कोर्स का भी कट ऑफ क्लियर कर दिए तो आपको थर्ड में दे दे एडमिशन, ऐसा नहीं होता। ओनली फर्स्ट, जो कि आपके प्रेफरेंस वाइज आपने अप्लाई किया रहेगा उसी पे ही एडमिशन दिया जाता है। अगर आप पहले में सिलेक्ट नहीं हुए और सेकंड में सिलेक्ट हो गए, थर्ड में सिलेक्ट हो गए, तो आपको कौन से प्रोग्राम में देगा? सेकंड में देगा, क्योंकि आप प्रेफरेंस सेकंड नंबर में थे, आपको थर्ड प्रेफरेंस वाले को भूल जाएगा वो भी। अगर आप तीनों में नहीं हुआ तो किसी में भी एडमिशन नहीं मिलेगा। अगर आप फर्स्ट के दोनों में नहीं हुए तो दोनों में नहीं मिलेगा, फिर थर्ड में हो रहे तो थर्ड में एडमिशन मिल जाएगा। तो यही है तरीका उनका एडमिशन देने का। लेकिन प्रोग्राम में अप्लाई करने के लिए कुछ स्टूडेंट, जिनको खुद से सोचना होगा कि आप कितने लेवल का प्रिपरेशन किए हो, क्या आप 75 मार्क्स लाओगे जनरल कैटेगरी के हो तो कि नहीं हो, EWS को तो 70, 60 इतना कट ऑफ के ऊपर ला सकोगे, तब आप फर्स्ट प्रेफरेंस में आप रख सकते हो HRM के लिए। नहीं तो आपको मन कर रहा है, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग भी नहीं है कि हाँ HRM रख लेते हैं, कुछ हो सके तो, क्या पता जो पढ़े हो वही क्वेश्चन आ जाए आपके एग्जामिनेशन में तो आप HRM में भी एडमिशन मिल जाए, ऐसा भी हो सकता है। तो आप फर्स्ट प्रेफरेंस में HRM रखना चाहते हो तो मना नहीं करूँगा, ठीक है? ये आपके ऊपर निर्भर है, डिपेंड है। नेक्स्ट, जो अगर HRM नहीं हुआ, किसी किसी का तो HRM फर्स्ट प्रेफरेंस में रख देता है, तो सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट वही आप अप्लाई कर देना। एंड थर्ड की बात करूं तो लोएस्ट कट ऑफ वाले प्रोग्राम आप चूज कर सकते हो। अगर आप थ्री प्रोग्राम में अप्लाई करना चाहते हो, लेकिन एक कंडीशन है कि आपको कोई सा भी प्रोग्राम में इंटरेस्टेड हो, तीनों प्रोग्राम में कोई सा भी में एडमिशन मिल जाए तो आप तीनों प्रोग्राम में इंटरेस्टेड रहोगे, तभी ये कंडीशन फुलफिल करना पड़ता है। तो तीनों में आप अप्लाई कर सकते हो। फर्स्ट प्रेफरेंस HRM रखना है तो रख लो, सेकंड जो मोस्ट इम्पोर्टेंट आपको लगता है कि मुझे इसमें एडमिशन चाहिए चाहिए, थर्ड लो कट ऑफ प्रोग्राम, ठीक है? अब प्लेसमेंट की बात करूँ तो HRM के मुताबिक कोई किसी में नहीं मिलेगा आपको, अभी बोल दे रहा हूँ क्लियर, HRM के मुताबिक किसी में प्लेसमेंट, इतना अच्छा प्लेसमेंट नहीं मिलेगा आपको। पैकेज की बात करूँ तो पैकेज बाकी सब में लो है, 3.5 लाख, 4 लाख, 5 लाख, इतना तक चला जाएगा एवरेज सैलरी, लेकिन आप 20 लाख का एवरेज पैकेज तो मिलना मुश्किल है बाकी सब में, ठीक है? तो ये पैकेज की बात हो गई। तो आप समझ सकते हो कि क्या आपको अप्लाई करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, क्या आपको केवल HRM के लिए जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए, या सब डिपेंड है कट ऑफ, पैकेज, आपके चॉइस,
और रही बात अब सोशल वर्क की बात कर रहा हूँ, तो सोशल वर्क को जिसको आपको एचआरएम बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं हो, आपको चाहिए कि सोशल वर्क में मैं इंटरेस्टेड हुआ, सोशल वर्क के कोई से भी प्रोग्राम में, जैसे कि यहाँ पे कोई सोशल वर्क प्रोग्राम आपको दिखाऊं तो हाँ ये रहा मास्टर ऑफ आर्ट्स इन सोशल वर्क लाइवलीहुड सोशल एंटरप्रेन्योरशिप, जनरल की कटअप गई थी 2019 में 57, ओबीसी की 45 में। अगर आप सोशल वर्क में इंटरेस्टेड हो तो आप फर्स्ट प्रेफरेंस सोशल वर्क को रख सकते हो, सेकंड प्रेफरेंस जिसको आप सेकंड प्रेफरेंस रखना चाहते हो तो आप खुद पे रखना, वरना ऐसा नहीं है आपको थ्री प्रोग्राम अगर आपने अप्लाई किया तो तीनों प्रोग्राम को आपको फीस भरना पड़ेगा, एप्लीकेशन फी, ठीक है, एप्लीकेशन फी अलग से लगता है। तो जनरल वाले का तो 1,000 एक प्रोग्राम के लिए लगता है, 3,000 फीस लग जाता है थ्री प्रोग्राम में आप अप्लाई करोगे तो, ठीक है। तो कटअप भी मैटर है, आप समझ सकते हो, अगर आपको एचआरएम चाहिए तो बाकी सब प्रोग्राम के बारे में सोचने की जरूरत नहीं है, टाइम वेस्ट मत करो, अपना स्टडी में ध्यान दो, ठीक है। अब रही बात गुवाहाटी कैंपस, गुवाहाटी कैंपस में 66% नॉर्थ ईस्ट वाले स्टूडेंट का रिजर्वेशन रहता है, जो भी नॉर्थ ईस्ट के डोमिसिल हैं, जो भी नॉर्थ ईस्ट के रहने वाले हैं, अगर वो गुवाहाटी कैंपस में अप्लाई करते हैं तो उनको 66% का रिजर्वेशन का फायदा मिलेगा नॉर्थ ईस्ट कैंडिडेट होने के चलते। तो अगर आप गुवाहाटी कैंपस में भी रखना चाहते हो तो आप रह सकते हो, या फर्स्ट प्रेफरेंस रखना चाहते हो तो रख सकते हो, या थर्ड प्रेफरेंस रखना चाहते हो तो रख सकते हो नॉर्थ ईस्ट स्टूडेंट को, क्योंकि अगर एक लो मार्क्स भी आए, क्योंकि कट ऑफ तो बताऊं तो आपको दो प्रोग्राम का कट ऑफ है मेरे पास, एससी की 39 एंड 29 गई थी 100 आउट, तो अगर आप लो कट ऑफ भी रखना चाहते हो या आप टीस के कोई सा भी प्रोग्राम में इंटरेस्टेड हो तो आप एससी या गुवाहाटी कैंपस को भी चूज कर सकते हो, क्योंकि आपको 66% का बेनिफिट मिलेगा एडमिशन के लिए। तो वो बात रही, अब और एक बात बताता हूँ आपको, कुछ लोगों को टीचिंग के लिए टीचिंग पर्पस, जैसे कि वो एमफिल पीएचडी भी करना चाहते हैं इसलिए एमए प्रोग्राम करते हैं, तो हाँ आप कर सकते हो, कोई मतलब कोई फर्क नहीं पड़ता आप कितने का भी पैकेज रहे। जैसे कुछ स्टूडेंट बोलते हैं कि नहीं सर मुझे एमफिल भी करना है उसके बाद पीएचडी भी करनी है, ऐसे ऐसे भी स्टूडेंट मेल करते हैं मुझे, तो हाँ आप चूज कर सकते हो, आप एमफिल भी कर सकते हो टिस से, एमए भी कर सकते हो, पीएचडी भी कर सकते हो, कोई आपको रोक टोक नहीं है, तो आप चूज कर सकते हो, ठीक है। और वैसे तो आपको यूनिक सारे ही यूनिक टाइप के कोर्सेज मिल जाएंगे यहाँ पे, जैसे कि आपको शायद ही कहीं और कॉलेज में इतना यूनिक प्रोग्राम शायद होता होगा, ठीक है। ग्लोबलाइजेशन लेबर मिल जाएंगे, एंटरप्रेन्योरशिप भी मिल जाएंगे, हॉस्पिटल हेल्थ सब कुछ मिलेगा, डिजास्टर मैनेजमेंट है, सोशल वर्क के बहुत ही अच्छे अच्छे प्रोग्राम हैं, ठीक है, अर्बन पॉलिसी गवर्नेंस है, क्लाइमेट चेंज सस्टेनेबल स्टडीज, कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट प्रैक्टिस, ठीक है। तो सब पे डिपेंड करता है, क्योंकि अगर एक ही प्रोग्राम पे रहता, क्योंकि सभी में डिफरेंट डिफरेंट प्रोग्राम होते हैं कैंपस में, खासकर टीस के कैंपस में, तो इसलिए मैं सभी को बताना पड़ता है, इसलिए थोड़ा वीडियो में मैं आपको सब कुछ बताते रहता हूँ। क्योंकि अगर एचआरएम की बात करें तो ये बाकी सारे प्रोग्राम जो 53 प्रोग्राम है सारे ही, उसके बारे में कौन बात करेगा, तो ठीक है। तो आपको कैसा चूज करना है आप समझ गए, अगर आपको एचआरएम लेना है तो केवल एचआरएम के बारे में सोचो, बाकी सब भूल जाओ। अगर आपको एचआरएम हो सके कि आप कट ऑफ क्लियर कर दो, ऐसा आपको लगता हो कि नहीं मेरा कट ऑफ क्या पता क्लियर हो जाए क्योंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो आप एचआरएम फर्स्ट प्रेफरेंस में रख सकते हो, लेकिन सेकंड सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट जो कि अगर एचआरएम नहीं मिला तो मुझे ये वाला जरूरी है, तो सेकंड प्रेफरेंस में वैसे प्रोग्राम रख लेना, और आप थर्ड प्रेफरेंस में चाहो तो एक बैकअप के लिए लो कट ऑफ, और जो भी इंटरेस्टेड हो, लो कट ऑफ होना चाहिए, लेकिन अगर आप इंटरेस्ट ही नहीं हो तो क्यों अप्लाई करोगे, तो ये भी कंडीशन है। तो अगर आप लो कट ऑफ वाले में जाना चाहते हो तो लो कट ऑफ वाले में भी अप्लाई कर सकते हो, तो ये तीन कंडीशन फॉलो करके आप अप्लाई जरूर करना, समझ लो क्या करना है आपको, एचआरएम थ्री प्रोग्राम टू प्रोग्राम या सोशल वर्क करना है, डेवलपमेंट स्टडीज करनी है, जो भी आप इंटरेस्टेड हो। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू, इसी तरह मैं और भी इम्पोर्टेंट वीडियो लाते रहूँगा आपके लिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, थैंक
थैंक यू।